फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सपना की दुनिया में आप सबका दिल से स्वागत है। जब भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली मेरे वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप ना क्या करो, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है। जैसा ही अभी इतना सारा प्यार और सपोर्ट करते हैं, ऐसे लाइफ टाइम तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी लगभग 5 बज गए हैं, मेरी रील भी शूट हो गई है, मैंने मेकअप भी एकदम छुड़ा लिया है, नॉर्मल वही पहली वाली सपना बन गई हूँ। और आप सब लोग बताइएगा मैं मेकअप करके कैसी लगती हूँ, आप सबको अच्छी लगती हूँ कि नहीं अच्छी लगती हूँ। तो आज मैं आप सबको स्पेशल वाली कोल्ड ड्रिंक बना के दिखाऊंगी, जो कि गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा पी जाती है। मार्केट जैसे कोल्ड ड्रिंक मतलब 2 मिनट में तैयार 3 हो जाती है और सबको बहुत पसंद आती है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है फैमिली। तो अभी और मैंने आप सबको एक बहुत ही खास चीज़ दिखानी है, तो उसके लिए तो आप सबको मेरे वीडियो पे बने रहना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है फैमिली। वो मुझे किसी ने दिया है, मतलब भैया ही ने दिया है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप सबको मैं अब कोल्ड ड्रिंक भी बनाते समय मिलती है। अभी मैंने आप सबको बताया था कि मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मतलब इतनी गर्मी में बहुत ही यूनिक सी चीज़, जो कि आप सब भी जानते होंगे। तो आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी। इधर मंदिर भी अच्छा सा सजा है, जो कि मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है, और नीचे कलश स्थापना भी हुई है, वो भी मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है। गाइस देखिए मेरा प्यारा सा मंदिर है, और व्रत तो मैं नहीं हूँ, आगे और पीछे ही व्रत हूँ, क्योंकि तबीयत उधर होली के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से आगे पीछे आगे मतलब पहला और लास्ट वाला व्रत हूँ। बाकी माता रानी से माफ़ी मांगी है कि जो भी गलती होगा उसे माफ़ करिएगा। तो मैं आप सबको वो स्पेशल सी चीज़ सिखाती हूँ कैसे बनाई जाती है, और ठंडी में पीने का तो एकदम बहुत तब मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ रसना। ये देखिए अभी मैंने शॉप से मंगवाया है, मम्मी से मैंने बोला मम्मी आप रसना ले आओ, आज मैं रसना बना के आप सबको दिखाऊंगी और आप सब भी जरूर पीजिएगा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रसना। गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब गर्मियों में ये तो मुझे बस कई सारे फ्लेवर आते हैं। कोका कोला फ्लेवर है, ये तो मेरा ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला और मैंगो वाला और कोको कोला कई सारे फ्लेवर आते हैं, पर मुझे मैंगो वाला और ये ऑरेंज वाला ज़्यादा ही पसंद है। तो गाइस मैंने देखिए 1 पैकेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट मंगवा लिए हैं गाइस। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने एक चीज़ और मंगाई है, वो भी आप सबको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है माजा, माजा भी मंगा लिया है। वैसे मैं तो गर्मी में सब फ्रिज में लगे रहते, कोको कोला है, माजा है, फ्रूटी है, सब बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, ये भी मंगा रख लिया है, पर मुझे ये रसना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप सबको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ रसना, ठंडा ठंडा एकदम गर्मी में कूलिंग का फील एकदम करता है। मैंने ये पानी ले लिया है, पानी को मैं इसमें डाल देती हूँ, ये भी पानी ले लिया है, और ये ले इसको मैं जग में डाल देती हूँ अच्छे से। ये देखिए गाइस पानी डाल दिया है, और पानी वाला भी डाल देती हूँ, पानी डाल दिया है गाइस, तो पानी को अच्छे से डाल दिया है, मतलब जग में अच्छे से कर लिया है। अब इसमें चीनी डालेंगे, चीनी लगभग 1 पूरा ऊन डालेंगे, जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही सिम बनेगा गाइस। इतना डाल दिया है, अब ये चम्मच ले लेते हैं, अब ऐसे से चलाएंगे गाइस। बहुत अच्छा लगता है पीने में रसना, बच्चे इसको ज्यादा पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, मुझे तो रसना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी इसको अच्छे से घोट लेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। और फैमिली गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप बताइए अभी अप्रैल ही है कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। और ये ऑरेंज फ्लेवर मंगवाया है, ऑरेंज वाला देखिए दिख रहा होगा आप सबको, ऑरेंज फ्लेवर मंगवाया है, और ये चिमटी लगाई मैंने, और नींबू पानी ये सब तो मतलब, तो और पन्ना आम का वो भी बनाऊंगी आप सबके साथ, रेसिपी शुरू करूंगी, मुझे आता है बनाना। तो गाइस अच्छे से घोल के फिर आप सबसे मिलती है।
गाइस, अच्छे से मेरा ये चीनी एकदम घुल गई है। अब छन्नी भी मैंने ले लिया है, अब इसको अच्छे से छान लेते हैं। मतलब जो छोटे छोटे कण होंगे वो छन्नी द्वारा निकल जाएंगे। मान लो ये देखिए गाइस, आप सब भी आओ इस नाफी को आते हैं। तो ये देखिए गाइस, इतना पार इतना हो गया। ये देखिए शरबत जैसा बन गया है, ऐसे ही है। अब पैकेट को कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए कुछ ऐसा आया है, इसमें चार पैकेट हम डालेंगे। ये देखिए गाइस, ज्यादा पैकेट नहीं, केवल चार ही पैकेट डालेंगे। ऑरेंज वाला रसना बन रहा है। अब इसको चला देते हैं इसे। ये देखिए गाइस, ऑरेंज रसना मेरा रेडी हो गया है। आप सब भी आओ, गर्मी में पियो आके, एकदम कूलिंग सा फील करो। हमारा रसना बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको बोतल में भर लेती हूँ और फ्रिज में लगा दूंगी। तो गाइस ये अच्छे से मिल गया है, मतलब कड़ कोई भी नहीं रह गया। चीनी भी अच्छे से घुल गई है और रसना भी अच्छे से घुल गया है। अब इसको बोतल में भर लेते हैं। ये देखिए गाइस, रसना एकदम मार्केट जैसा बना है। ये देखिए गाइस, इतना बनके रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि मीठा ज्यादा हो गया है, तो पानी मिला लेते हैं। तो गाइस पानी भी अच्छे से मिला लिया है, अब मिला देते हैं इसमें क्योंकि मीठा है ज्यादा हो गया है। एक दिन तो मैं बना के रख दी थी, तो मम्मी बोली कि पत्नी मिरिंडा कौन लेके आया, फ्रिज में रख दिया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने रसना बनाया है। तो मम्मी कही वही, मैं सोची कि पत्नी कहाँ से आ गया। तो मम्मी पी, मम्मी के बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों को तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पीना। तो इतना मेरा बन के रेडी हो गया है, ऑरेंज वाला रसना। देखिए गाइस, और वो नाते ग्लास में ग्लास ले लिया है। बहुत इजी है गर्मी में, मतलब पीने, पेट को ठंडा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। नींबू पानी है, शरबत है, नींबू चीनी और पानी शरबत है, और ये रसना है। कई सारी चीज़ें बनती हैं, लस्सी है, सब पेट के लिए काफ़ी। खाना कम खाओ, पानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पहला तो आप पी लीजिए, फिर मैं पीऊँगी। बहुत ही अच्छा बना है रसना गाइस, ये देखिए। आप सब भी, ये आप सबके लिए बोतल है, आप सबके लिए स्पेशली बोतल मैंने बना के रखी है, आप सब लोग पी लीजिए। और ये मैं पी लेती हूँ। बहुत मजा आया सच में। फाइनली गाइस, तो आप सब लोग जरूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे बनाते हो रसना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत मतलब सिंपल है और एकदम तरावटदार है। गर्मी में मज़ा ही आ गया। और व्रत तो मैं नहीं हूँ, व्रत तो अभी आप सबको बताया था, पहला और लास्ट वाला व्रत हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी बहुत मतलब होली के बाद बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से। और बाकी जितनी गलतियाँ हैं माता रानी माफ़ करेगी। और मम्मी आज मंदिर गई थी, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई हैं, तो आप सबके लिए प्रसाद है। चौक की काली माता मंदिर गई थी, मैं तो नहीं गई थी, छोटी और मम्मी गई थी, तो वहीं से प्रसाद लेके आई हैं। ये प्रसाद आप सब भी लीजिए। गाइस रसना भी पी लिया और आप सबको भी पिलाया। आप सबको कैसा लगा, मीठा था कि नहीं, ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फैमिली, अभी कुछ दिन पहले मेरे भैया के मतलब दोस्त आए थे, बॉम्बे से आए थे, तो अभी उनकी जॉब लगी थी, काफ़ी मतलब इंजीनियर हैं, तो उनकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी। तो हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो हम सब लोगों के लिए कपड़े वो लेके आए थे। मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए पैंट शर्ट लाए थे, और हम बहनों के लिए
सूट लाए थे जो कि मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे सूट भैया ने लेके आए हैं, भैया लेके आए थे। तो फैमिली मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब मेरा भैया भी गया था तो आंटी के लिए मतलब बहन के लिए सबके लिए लेके गया था गिफ्ट। तो उनकी मम्मी ने मतलब उनकी मम्मी भैया से मतलब बहुत मतलब क्लोज है, मतलब फैमिली जैसा सब कुछ है। तो भैया हम लोग के लिए सूट लेके आए थे तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। और रसना पी के तो एकदम तरोताज़ा हो गई हूँ। और मम्मी को भी बोला मम्मी आप भी रसना पी लो, मैंने फ्रिज बना के रख दिया है। तो पहला कपड़ा तो ये देखिए गाइस, ये लेके आई थी, सूट है, सिलाने वाले सूट है गाइस। ये देखिए अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये छोटे के लिए सूट आया है। मम्मी की साड़ी तो रख दी है और तो उनका नहीं दिखा रही हूँ, अपना ही अपना दिखा रही हूँ। तो ये सूट है, सूट का कपड़ा है गाइस, सिलाना पड़ेगा मार्केट से मतलब दर्जे से। ये देखिए ये गला हो गया है, ये गला हो गया है और ये लेंथ हो गई है, ये नीचे भी कढ़ाई है। ये छोटे ने लिया है, छोटे ने बोला ये कलर वही लेंगी, मेरे पास ऐसा कलर है। तो मैंने कहा आप ले लो और मैं मतलब मेरे पास तो है ही है, मेरा भी कलर बहुत अच्छा है। अभी आप सब देखिएगा, ये सिलाने के लिए ये कुर्ता है और ये है दुपट्टा गाइस। देखिए गाइस दुपट्टा कितना बड़ा है, ये देखिए दुपट्टा मतलब उल्टा बनाया है, ये दुपट्टा भी कितना बड़ा है, ये देखिए गाइस बहुत अच्छा है। ये देखिए अभी इन सबको सिलवाना है। अभी दर्जे पे बोले थे नवरात्र जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मतलब सिला दिया जाए। और ये है इसका सलवार गाइस, ये देखिए गाइस सलवार हो गया है, सलवार हो गया है। अब मैं आप सबको अपना दिखा, तो गाइस ये है मेरा, ये देखिए मेरा है, मेरा कलर। आप सबको कैसा लगा? मैंने तो बोला भैया इन सब की क्या ज़रूरत थी, और आप तो इतना मतलब प्यारी बहुत है, नेचरी बहुत है इस दुनिया में। बाकी तो इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, लेकिन इतना प्यार देखिए बहुत ही अच्छा लगा कि हम बहनों के लिए भी कपड़ा लेके आए हैं। देखिए बोला था दीदी सिला लीजिएगा, मैंने कहा हाँ सिला के पहन के दिखाऊंगी, बहुत खुशी हुई। ये देखिएगा दुपट्टा है, ये जब सिल जाएगा तो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी और रील भी बना के दिखाऊंगी, इसका वीडियो भी बना के आप सबको दिखाऊंगी। ये टेलर पे ये दुपट्टा हो गया है और ये है ऊपर का, ये देखिए गाइस ये मतलब कुर्ता हो गया है, कुर्ता हो गया है और इसी के अंदर सलवार है फैमिली। ये सलवार है, ये सलवार है, ये देखिए गाइस ये है सलवार हो गया है। तो गाइस स्लीवलेस मैं सिलाऊंगी, मतलब जो पट्टी वाला नहीं है इतनी इतनी पट्टी और बिना आस्तीन के मैं सिलाऊंगी। मुझे बिना आस्तीन के कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही सिलाऊंगी जैसे बन के आएगा। आप सबके साथ पहला वीडियो शेयर करूंगी, तो आप सब लोग जरूर बताइएगा मुझ पर सूट कैसा लगा और ये कलर आप सबको अच्छा लगा कि नहीं, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो ये है सलवार पहनूंगी और ये कुर्ता है, ये ऊपर का गला ऐसा है, गला है, ये गला हो गया है। ये दुपट्टा इसका स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। तो फैमिली आप सबने देखा भैया लेके आए, तो मम्मी की साड़ी तो मम्मी ने अंदर रख दी, पापा कपड़ा अंदर रख दिया। मैंने कहा मैं अपना दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को मेरा चीज़ देखना बहुत ही पसंद है। तो फाइनली गाइस मैंने रसना भी पी लिया, कपड़े भी आप सबको दिखा दिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।